गाइस आज संडे तो संडे को इधर यूजली ओपन हाउसेज होते हैं। ओपन हाउसेज वो होता है यानी कि जो भी रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं वो लोग ऐसे घर जो सेल पे होते हैं वो लोग उसमें ओपन हाउस रखते हैं। तो इधर हम लोग के बाजू में एक घर सेल पे है जिसमें ओपन हाउस रखा है, यानी हम 2-4 फॉर एग्जांपल उसमें एज अ बायर अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ वो घर का दरवाज़ा मेरे लिए खुला होएगा तो मैं सीधा वॉक इन करूँगा, घर देखूँगा, एजेंट की इन्फॉर्मेशन लूँगा, घर की इन्फॉर्मेशन लूँगा। तो चलते और थोड़े क्लिप्स निकालता हूँ घर के जो देखने जा रहे, तो फिर होपफुली आप लोग को मज़ा आ। तो गाइज आ गए ये नेबरहुड में, ऐसे ही आप लोग के लिए क्लिप निकाल रहा हूँ कि आपको थोड़ा ऐसे फील आवे। तो ऐसे ये वाले नेबरहुड क्योंकि एस्टैब्लिश नेबरहुड है तो बहुत ऐसे आपको ट्रीज वगैरह बहुत दिखेंगे। तो आई थिंक यही लेन है जिधर वो घर है, तो मैं देख रहा हूँ मैप, इधर दूसरे फोन पे मैप चालू है। ये देखो ये भी एक घर सेल पे, जैसे इधर एक साइन लगी हुई है जैसे आपको दिख रहा है, पर ये ओपन हाउस नहीं है। तो जो जो घर होते हैं उसके ऊपर ऐसे बाहर आपको ओपन हाउस की साइन दिखेगी, पर आजकल तो इंटरनेट की वजह से आपको इंटरनेट पे एक मिनट में मालूम पड़ जाता कि कौन से घर में ओपन हाउस है। तो ये वाले जो घर में हम लोग जा रहे हैं इसका टाइम स्लॉट है 1-2-3 और अभी ऑलरेडी 2:32 हो गए। तो पर लेकिन यूजली 10-15 मिनट्स में आप एक घर देख लोगे ऐसे ऊपर ऊपर से, फिर अगर आपको इंटरेस्ट होएगा आप बराबर ऐसे एजेंट के साथ अपॉइंटमेंट लोगे और फिर आप बराबर ऐसे व्यूइंग स्केड्यूल करोगे। तो जैसे देख रहे हैं इधर ऐसे मस्त बड़े बड़े घर है यार, बहुत अच्छा नेबरहुड है ह्यूस्टन का। तो ऐसे मेरे हाउस के ब्लॉग में ऐसे कॉमेंट्स आए थे कि ह्यूस्टन का ये घर, वो जो मैं हाउस का टूर बनाया था ह्यूस्टन में, इसके लिए इतने सस्ते, ऐसे नहीं है। जो इधर भी आपको घर देख रहे हैं कोई कोई घर इधर $1 million क्रॉस कर रहे हैं। तो डिपेंड है कौन से नेबरहुड में आप जाते हो ह्यूस्टन में भी, और वो नेबरहुड एग्जैक्टली किधर लोकेटेड है। तो कभी कभी क्या होता है एक नेबरहुड से दूसरे नेबरहुड में ज़मीन आसमान का फर्क आ जाता है प्राइस में। जैसे ये वाला नेबरहुड है इधर, ये इधर गोल्फ कोर्स बना हुआ है आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड में, बहुत अच्छा है यार। तो बहुत टाइम से हम लोग ये नेबरहुड में घर देख रहे हैं, अभी घर के प्राइसेस इतने हाई हैं तो फिर देखते हैं क्या करते हैं या क्या क्लिक होता है अपने को। मेरे को ऐसे पर्सनली ऐसे कंटेम्प्रेरी हाउसेस बहुत अच्छे लगते हैं जो ऐसे स्क्वायरिश रेक्टेंगुलर ऐसा शेप हो रादर देन ऐसे टिपिकल ट्रेडिशनल हाउस का है। जैसे ये ऐसे आप बोलोगे इधर का ट्रेडिशनल हाउस है। तो इधर आ गए हम लोग, इधर ऑलरेडी बहुत लोग है। एंट्रेंस मस्त हाई सीलिंग है। तो देखो गाइस ये एक बेडरूम है, तो ये देखो ये मास्टर बाथरूम बहुत अच्छा है यार। इधर बेडरूम में चिमनी है, बच्चों का रूम है, यहाँ से व्यू दिखा दो मस्त, छोटा बाथरूम, ये लोग गेम रूम या मीडिया रूम, जिम रूम, फिर ये स्टडी एरिया, और ये छोटा बाथरूम इधर, ये बच्चों का रूम, फैन सब रूम में मस्त लगे हुए। तो इधर ये देखो टाइल रूफ है रादर देन शिंगल्स, तो इसकी लाइफ बहुत सॉलिड होती है टाइल्स की।
वर्सेस शिंगल्स, और नीचे इधर ऑलरेडी पूल है, बहुत मस्त है यार। तो ये देखो आजू बाजू वाले लोग, इधर मस्त चेयर वेयर लगा के आराम से बैठ सकते। तो ये देखो हॉल एरिया, देखो गाइस बाहर से ऐसे ही व्यू दिखा दूं आपको, ये साइड है इधर, ये 3 car garage है, और इधर स्विमिंग पूल की तरफ जो मैं अभी आपको ऊपर से दिखाया, और इधर भी एक गाड़ी लगा सकेंगे, इधर भी एक गाड़ी लगा सकेंगे, अपनी सब गाड़ियां इधर फिट आ जाएगी। तो और निकाल नहीं सका क्योंकि बहुत लोग थे यार, तो पर लेकिन ऐसे हाउसेस पे जाते रहेंगे, और जिधर भी ऐसे वो लोग बोलेंगे कि आराम से निकाल सकते हैं वीडियो, तो ऐसे बड़े वीडियोस बनाऊंगा। तो बाहर से पूरा व्यू दिखाता हूँ, बहुत ज़बरदस्त है बॉस, मस्त। पूरा 360 दिखाता हूँ तो आइडिया आ जाएगी स्ट्रीट की भी, इधर की। लेकिन काफ़ी सब स्ट्रीट्स ऐसे क्वालिटी होती है, और जैसे आपने पहले वीडियोस में देखा है इतने लोग चलते नहीं है। तो गाइस आई होप आप लोग को ये हाउस अच्छा लगा होगा, क्योंकि मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। खाली नेगेटिव मेरे को ये लगा कि हाउस के एकदम ऑपोजिट एक दूसरा घर है, क्योंकि मेरे अभी वाले घर में ऐसे ऑपोजिट घर है, पर वो लोग की ड्राइववे इधर नहीं, तो अगर मैं गाड़ी बैकअप करूँगा तो मेरे को ये लोग का टेंशन नहीं हो, पर ये केस में ये लोग भी बैकअप करेंगे, मैं भी करूँगा। इट्स नॉट अ बिग डील, पर ऐसे ही मैं अपना प्रेफरेंस बता रहा हूँ। और इधर आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि ये ऐसे स्ट्रीट के कॉर्नर पे, ठीक है, तो मैं इसे आज उल्टा टर्न करता हूँ तो आपको देखने मिले। ये देखो इधर पूरा गोल्फ कोर्स है, और इधर स्ट्रीट एंड होती है। तो मैंने जो भी स्ट्रीट ऐसे जैसे एंड होती है, तो इधर इतनी ट्रैफिक नहीं होती है, तो इट इज़ कंसिडर्ड गुड, यू नो, राधर देन ऐसे कोई ऐसी जगह पे हो जहाँ बहुत सारे जनों का आना जाना हो। और इसकी रूफ मेरे को अच्छी लगी कि टाइल दे, तो वो शिंगल्स का मेरे को टेंशन नहीं हुआ। ये घर की प्राइस है $700,000, ठीक है, तो यानी इंडिया का अप्रोक्सीमेटली 5 crore और 6 crore के बीच में, जहाँ तक मेरा गैस है कैलकुलेशन के हिसाब से, तो समझो 5-6 crore में ये वाला घर अच्छा है। तो अपना आज का हाउस टूर ख़त्म हो गया गाइस, पर ये स्ट्रीट देखो, ये स्ट्रीट टेक्स यू टू दैट हाउस। तो ऐसे जाते आते पूरी मस्त काइंड ऑफ ऐसे आउटसाइड द सिटी की फील आएगी, ऑल दो इधर स्ट्रीट लाइट्स मस्त है। ये एरिया में ये लोग क्या, लोग बहुत सारे चलते हैं, और क्योंकि गोल्फ कोर्स है तो इधर लोग दिखते हैं यूजली। चल तो गाइस डिसाइड किया कि घर पे ऑफर नहीं देने के लिए, क्योंकि जोन से साइड पे है नेबरहुड के, जोन से साइड पे वो घर, मेरी वाइफ को वो साइड पे चाहिए नहीं है घर, और ये वाला घर ले रहे हैं खास क्योंकि मेरी वाइफ को दिल है नए घर की। तो ये घर अगर उसके सेटिस्फेक्शन के हिसाब से नहीं होएगा तो लेने का कोई मतलब ही नहीं। तो देखते रहेंगे, इसी बहाने ऐसे और ब्लॉग्स बनते जाएंगे, मैं बनाते रहूँगा जैसे हम लोग ओपन हाउसेज में जाते रहेंगे। होपफुली इवेंचुअली अपने को एक मस्त घर मिल जावे, और आई बिलीव राइट टाइम पे अपने को अच्छा घर मिलेगा ही 100%। तो ये वाला ब्लॉग इधर एंड कर रहा हूँ गाइस, तो फिर आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।